जहाँ मशीन नहीं लगेगा हाथ से कर लो, ठीक। एल्यूमिनियम कलर या सिल्वर कलर करना है तो आप एशियन पेंट्स, ये देखिए लिखा है 3 मैंगोस एल्यूमिनियम पेंट, ये इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा है ये। देखिए नीचे भी लिखा है एशियन पेंट 3 मैंगोस एल्यूमिनियम पेंट, इसकी कीमत 500 ml की है, 180 रुपये। अगर आप 1 लीटर का लेंगे तो आपको 340 रुपये का मिलेगा। छोटा पैक भी आता है इसका 100 ml और 200 ml का भी, इसके अंदर भी डबल पैकिंग है, लेकिन ऊपर एक पैकिंग ये भी है। लेकिन इसको बहुत प्यार से खोलना चाहिए क्योंकि हाथ कट सकता है, बहुत पतला टीन होता है ना ये, इसको इस तरीके से फ्री कर लीजिए। जब ये इस तरीके से फ्री हो जाए तो ये अपने आप खुल जाएगा, ये टाइम लगता है लेकिन खुलेगा। अगर आपको दोबारा यूज़ करना है तो इसको ख़राब मत कीजिए, हम लोग तो निकाल के तोड़ ही देते हैं, वो तो आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए, ठीक है ना, इसको ऐसे प्यार से, अगर आपको ऐसे दोबारा फिर बंद करना है, जैसे थोड़ा सा यूज किया बच गया तो आपको दोबारा लगाना होगा, इसलिए इसको ख़राब मत कीजिए फिर। और देखिए 2 पैकिंग है, इसके अंदर है एलुमिनियम और दूसरा जो पैकिंग है इसके अंदर इसमें वार्निश है, लेकिन इसको अभी नहीं खोलेंगे, इसको बाद में, पहले इसको खोलेंगे इस तरीके से। देखिए खोल लिया, अब देखिए इसका काम क्या है, इसके ऊपर ना रखें, ऐसे उल्टा करें, ऐसे रख दो इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ के ऊपर रखोगे वार्निश लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब आप इसको खोल सकते हो, देखिए ये होता है, देखिए एल्यूमिनियम पेस्ट। एल्यूमिनियम पेस्ट बिल्कुल मेल्ट हो जाना चाहिए बराबर से। अब लगाते हुए हम आपको दिखाएंगे, बड़ा रोलर हो और काम करते करते थोड़ा सा पुराना हो जाए, या नया भी हो, आपको छोटा रोलर चाहिए तो देखो इस तरीके से काट लो, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है, ये देखो इसी के बराबर काट लो, ताकि जब इसे डालो तो इधर से बाहर ना आ जाए, ठीक है ना, इतना। इससे आप किसी भी छोटी जगह पर कर सकते हो, बस हींग लगे ना, फिट करी, रंग चढ़े चोको, ठीक है। और ट्रे नहीं है कोई बात नहीं, बाल्टी का ढक्कन है, थाली हो, कुछ भी हो, इसके ऊपर डालो और ऐसे से करो और करो, जहाँ ये रोलर से ना हो वहाँ ब्रश का इस्तेमाल करना, और जहाँ रोलर से हो जाए वहाँ आराम से रोलर से आप कर दो।
गया ना स्प्रे जैसा, अब उस साइड से कर दे। मेटल प्राइमर लगाएं, उसके बाद दो कोट कर दें, बहुत ही बेहतरीन शाइन आएगा। तेल से साफ करो ब्रश, उसके बाद बहुत दिन तक रखना है तो पानी में डुबो के रख दो, तो ये खराब नहीं होता है, दोबारा फिर यूज़ कर पाओगे।